क्या है कुछ एग्जांपल नंबर पहला, आज पढ़ेंगे एग्जांपल नंबर दूसरा। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक 2 क्यू के रूप में होता है। दर्शाए कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक सम पूर्णांक 2 के रूप 2 क्यू के रूप में होता है तथा प्रत्येक विषम धनात्मक पूर्णांक धनात्मक विषम पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 के रूप में होता है जहां क्यू कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसे हमें सिद्ध करना है कि सम वाला 2 क्यू होता है और विषम वाला धनात्मक पूर्णांक 2 क्यू प्लस 1 होता है। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करना है, हल करना है, ठीक है। तो हमें प्रूव करना है कि जो होता है ना a बराबर बी क्यू प्लस आर, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पढ़ते हैं। इसके बारे से हम सोल्व करना है कि जो 2 क्यू होता है वो सम होता है 2 क्यू प्लस 1 बराबर आपका जो भी होगा विषम होता है। तो ये होता क्या है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। बचपन में जब भाग की जांच करते ना कि हमारा भाग से ये गलत है, वही यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। जैसे हम कभी भाग दे 3 का, माना 3 का भाग दिया हमने 10 के अंदर, 3 का भाग दिया 10 में, 3 आ गया 9, फिर 1 बच गया। इसे बोलते हैं रिमाइंडर, ये क्वेश्चन है रिमाइंडर या शेष फल, इसे बोलते हैं क्वेश्चन। कितनी बार हमारा भाग आया भाग फल, हिंदी में बोलते हैं इसको भाग फल। तो अभी कंडीशन थी क्या होती है, भाज्य बराबर भाज्य इंटू भाग फल प्लस शेष फल किसके बराबर होगा, भाज्य इंटू भाग फल प्लस शेष फल बराबर हो जाएगा आपका भाज्य। इधर देखो किधर लिख दो एक ही बात है, तो भाजक बराबर भाज्य इंटू भागफल प्लस शेष फल, मतलब ये कितने बार भाग गया इसे बोलते हैं भागफल। तो भागफल कितना गया आपका 3 हुआ और शेष कितना बच गया 1 इंटू का इंटू किसका भाग दिया आपने किसे भाज्य 3 से, कितनी क्या था आपका भाजक, भाजक मतलब जितनी बार आप जिसका कितनी भाग दे रहे हो वो हो जाएगा आपका भाजक। तो भाजक है अपना 10, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 और 1 आपका 10। तो ये इस प्रकार हम बचपन में ही जान करते इन दोनों गुणा करते इसको प्लस करते तो बीच वाली संख्या आती है, इसे हम कहते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इस प्रकार ये आपको इसका केसक इस पार्ट में से जो क्वेश्चन है सोल्व करने हैं। अब करते हैं इसको सोल्व। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होती है, इसको हम दो इसका भाग देते ना, जैसे मैंने 3 का भाग दिया 10 के अंदर, तो ये वाला आपका ए होता है, इसे हम बोलते हैं ए, हिंदी बोलते हैं भाजक। भाजक को लेते हैं हम एक बराबर, ये हो गया आपका बी और ये होगा क्वेश्चन और आर वाला होता है आपका रिमाइंडर या सेंस पर। तो अब सबसे पहले हम लेते हैं कि कितनी बार होना भाग गया जो क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन पाते हैं हमारे पास क्या है दो धनात्मक पूर्णांक है, माना हम क्या लेंगे दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे, दो धनात्मक पूर्णांक ए व बी इस प्रकार है, ए व बी इस प्रकार है तथा ए द्वितीय दो संख्या ले लेते हैं क्यू व आर दो संख्या ले लेंगे साथ में क्यू व आर, क्यों क्यों और ए ए बी और क्यू आर चाहिए हमें, ठीक है। तो अब सबसे पहले लिखेंगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये हमें प्रूव करना है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखो क्यू इसमें क्यों आ रहा है, ये रहा हमें पहले इसको सोल्व करना है 2 क्यू को। तो सबसे पहले लिखते हैं फर्स्ट वाला, पहला है पॉइंट आपका 2 क्यू वाला। 2 क्यू में हमें क्या सिद्ध करना है कि सम है कि नहीं, सम की कंडीशन क्या होती है कि जिस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है वो सम संख्या कहलाती है। तो हमें इसको सम चेक करना पड़ेगा, चलते हैं इसको सम चेक करते हैं कि सम है या विषम है। तो सबसे पहले हम देखो 2 क्यू ए बराबर बी क्यू प्लस आर, अब देखो जो भी क्यू के साथ में होगा वो किसका मान होगा बी का, तो बी बराबर क्या हो जाएगा इसके अंदर 2 क्यू के अंदर क्या है, 2 क्यू के साथ क्या है, क्यू के साथ 2 है तो बी का मान क्या हो जाएगा आपका 2। अगर बी का मान 2 है, माना अगर मैं किसी संख्या में भाग देता हूं 2 का तो शेष फल कितने बच सकते हैं, अगर मैं मान लो 2 का भाग दे रहा हूं 13 के अंदर तो मेरा भाग है 6 बार 12, कितना बच सकता है मेरा शेष फल, अधिक से अधिक मेरा शेष फल कितना बच सकता है वो देखना है, अधिक से अधिक मेरा शेष फल इससे छोटा बचेगा
जिसका भाग दूंगा मतलब बी का मान आएगा उससे जस्ट छोटा ही मिलेगा, तो बी का मान दो है तो रिमाइंडर या सेंस में कितना बच सकता है मेरे पास, जीरो बच सकता है या तो, या फिर एक हो सकता है। कंडीशन क्या होगी, या तो जीरो होगा सेंस पर या फिर सेंस पर आपका एक हो सकता है, ठीक है। तो अपना आर बराबर क्या हो सकता है, जीरो या एक हो सकता है। अब इसको चेक करते हैं, ए बराबर आपका ए, बी, बी का मान कितना है अपने पास दो, एक बार हम आर बराबर क्या रखेंगे, आर बराबर जीरो रख लेते हैं एक बार, दो बार करने चेक करेंगे, एक बार आर बराबर जीरो एक बार आर बराबर वन लेंगे, तो आर बराबर क्या लेते हैं जीरो, जीरो, बी का मान कितना अपने पास दो, क्यू का मान कितना है, क्यू का मान नहीं दे रखा तो क्यू का क्यू प्लस आर का मान यही नहीं, आर का मान क्या रखा आपने जीरो। अब चेक करेंगे इसमें दो का भाग ज्यादा नहीं ज्यादा, तो ए बराबर टू क्यू, जीरो मतलब नहीं, अब इसमें देखेंगे दो का भाग ज्यादा नहीं ज्यादा, अगर हम इसमें दो का भाग देंगे तो दो से दो कट जाएगा, तो अपना दो का भाग ज्यादा है तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके संपूर्णांक, क्यों, क्योंकि इसमें दो का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसलिए ये संपूर्णांक है। हमें किसको प्रूव करना था, टू क्यू क्या हो गया आपका, टू क्यू क्या है आपका संपूर्णांक। अब हमें चेक करना संदर्भ, पॉजिटिव मतलब धनात्मक, तो हम इसे लिखते हैं दो सम धनात्मक पूर्णांक है, एक बार आपको चेक करना है टू क्यू, एक बार क्यू को करना है टू क्यू प्लस वन। अब हम लेना है आर का मान क्या रखना है, आर बराबर एक रखना है, अब आर का मान हमें क्या रखना है इसके अंदर, इस कंडीशन ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का ए बी का मान आपके पास है दो, क्यू का क्यू और आर का मान क्या रखना है वन। अब इसमें चेक करेंगे इसमें दो का भाग जा रहा है नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर कंडीशन एक शोर थी, ये पूरा एक था, इसमें देखो ये टू क्यू अलग है और वन अलग, क्या इसमें कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन भी नहीं आ रहा, कॉमन लेते हैं फिर भाग से लेता, तो इसमें दो दो क्यू प्लस वन के अंदर अगर हम भाग दें, मान लो ये कोई संख्या एक नहीं है, एक और दो भाग है, तो भाग कर देंगे फिर इसको पहले को सोल्व करना पड़ेगा, टू क्यू प्लस वन एड नहीं हो रहा तो इतना ही रहेगा, तो इसमें दो का भाग भी हम नहीं दे सकते, तो क्या हो जाएगी विषम धनात्मक पूर्णांक, तो 2q प्लस 1 क्या हो गई आपकी विषम धनात्मक पूर्णांक, और 2q प्लस 2q क्या हो गया आपका सम धनात्मक होता है, सेम अगला क्वेश्चन क्या ना उसमें सम देख रहे हैं विषम दोनों देख रहे हैं, इसमें केवल आपको सम ही चेक करना है क्या सम पूर्णांक है या नहीं, तो 4q प्लस 1 को और 4q प्लस 3 तो अब क्या होगा सम, इसके अलावा जो भी आएगा वो विषम होगा, 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 को आपको विषम चेक करना है, तो हम वही काम करना है, कौन सी यूज करते हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, दो धनात्मक पूर्णांक लेंगे a व b के लिए, दो एक संख्या हो जाएगी आपको q व r, वो आपकी लाइन की सेम ही पूरे रहते हैं वापस। अब आगे करते हैं क्या कंडीशन क्या होती है आपकी, a बराबर bq प्लस r, अब देखो हमें क्या इसमें 4q प्लस 1 के अंदर देखते हैं 4q प्लस 1, अब इसके अंदर q के साथ जो भी होता है वो b का मान होता है, तो b का मान क्या हो जाएगा आपके पास, तो b बराबर हो जाएगा आपका 4, अगर b का मान 4 है जिसका हम भाग दे रहे हैं वो 4 है तो इसका मतलब रिमाइंडर क्या हो सकता है, तो आपका r आ सकता है 0 1 2 और 3, ये आपके r के मान हो सकते हैं, मतलब रिमाइंडर 0 बच सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है या फिर 3। अब कंडीशन क्या होती है आपकी कि जो भी b का मान आएगा r का मान क्या होगा 0 से तो बड़ा, आर का मान जीरो से बड़ा, देखो आर देखेंगे आर का मान होगा जीरो से, आर बराबर आर का मान होगा जीरो से बड़ा, जीरो से क्या होगा बड़ा होगा तथा तथा बी से छोटा, मतलब बी का मान होगा उसे क्या होगा आर का मान हमेशा छोटा होगा, बी से छोटा और आर से बड़ा होगा जो भी मान आएगा, तो आर का मान क्या होगा बीस छोटा, तो बी का मान कितना है 4, तो 4 से छोटा 3 होता है 2 और 1। अब आगे करते हैं इसको, अब हम लेते हैं 4 4 क्यू प्लस 1, पहले हम आर का मान क्या लेते हैं 0, तो आर बराबर क्या रखा आपने 0, अगर आर का मान 0 है तो क्या होगा 4 का 4 क्यू का ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान क्या हो जाएगा 4, बी का मान हो गया 4 क्यू का क्यू प्लस 0,
क्या ये दो से विभाजित है तो क्या लिखेंगे समफुनार। अगर दो से विभाजित नहीं है तो लिखेंगे, अब इसमें देखो जीरो का मतलब नहीं है, तो a बराबर हो गया 4q, ये दो से विभाजित है, इसमें आराम है, चार के दो का भागा से जाएगा तो ये क्या हो गया दो से विभाजित है, इसलिए इसलिए 4q प्लस जीरो समपूर्णांक है। 4q प्लस जीरो क्या हो जाएगा आपका समपूर्णांक है। इसी प्रकार आपको अगला चेक करना है, नेक्स्ट है आपका a बराबर, अब r का मान क्या लेंगे, यहाँ पर r का मान क्या रखा आपने जीरो, फिर r का मान रखेंगे एक, अब r का मान एक रखेंगे तो क्या होगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान ए, बी का मान हो गया आपका चार, और क्यू का मान क्या है क्यू का क्यू, आर का मान हम क्या लेंगे वन। अब इसमें देखो इस संख्या के अंदर दो का भाग ग्यारह ग्यारह, तो ये पूरा अभी सोल्व ही नहीं हुआ, फोर क्यू प्लस वन अभी सोल्व हुआ ही नहीं, कि फोर क्यू पूरा एक नहीं अलग अलग पार्ट, इसको सोल्व करने के बाद हम इसमें क्या दे सकते हैं फोर क्यू प्लस वन के अंदर पूरे में दो का भाग जाना चाहिए, लेकिन इसके अंदर दो का भाग नहीं जा रहा है, तो जिस संख्या में दो का भाग नहीं जाता वो सम पूर्णांक होता है, तो क्या लिखेंगे 4q प्लस 1 ए विषम धनात्मक पूर्णांक है, पूर्णांक है क्योंकि 4q प्लस 1 दो से विभाजित नहीं है, दो से विभाजित नहीं है। अब नेक्स्ट है आपका r बराबर क्या लेंगे हम, r बराबर लेते हैं हम दो, r बराबर क्या लेंगे दो, अब दो में चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा a बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान, अब b का मान क्या है बस b का मान है चार और q का q प्लस टू, बट अब इसको चेक करेंगे क्या दो से विभाजित है या नहीं, तो हो जाएगा आपका चार क्यू, इन दोनों में कॉमन लेते हैं पहले क्यों दोनों भाग जाना होगा, तो फोर क्यू के अंदर दोनों में लेते हैं हम कॉमन, तो कॉमन आ जाएगा इसके अंदर दो, तो फिर फोर क्यू प्लस टू के अंदर पूरे में कॉमन क्या आएगा इसके अंदर दो ले लिया, तो दो दो चार दो, क्यू का क्यू प्लस दो का एकम दो बट्टे में दो, अब ये दो से दो पूरा कट गया तो ये दो से विभाजित हो गया, तो इसे क्या बोलेंगे ये दो से विभाजित है, दो से विभाजित हो रहा है तो लिख देंगे संपूर्णांक, दो से विभाजित उसके बोलते हैं संपूर्णांक, a बराबर 4q प्लस 2 क्या है संपूर्णांक। फिर नेक्स्ट चेक करेंगे हम r बराबर 3 लेके, तो r बराबर 3 क्या हो जाएगा r, जितने आपके r के मान हो उतने बार आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते रहना है, r बराबर 3 हो जाएगा, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस r, तो a का मान हो गया अपने पास a बराबर 4 q, r का मान क्या रखेंगे 3, अब इसमें देखेंगे दो से विभाजित है या नहीं है, ये दो से विभाजित है ही नहीं, इसमें कॉमन भी नहीं आ रहा, तो क्या लिखेंगे ये विषम, ये हो जाएगा आपका विषम धनात्मक पूर्णांक, क्योंकि ये दो से विभाजित नहीं है। हमें क्या चेक करना था, एक तो 4q प्लस 3, ये रहा 4q प्लस 3 विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये 4q प्लस 1 विषम धनात्मक पूर्णांक है, ये वाला, ये दोनों क्वेश्चन इतना एग्जांपल इसके तीन हो गए, एग्जांपल नंबर इसका चार, एक मिठाई विक्रेता के पास 420 काजू की बर्फियां, 420 क्या है काजू की बर्फियां तथा 130 बादाम की बर्फियां, इसमें दो तरह की बर्फियां हैं, काजू की अलग है 400 है उसके पास काजू की और 130 है उसके पास बादाम की, इस प्रकार इसके पास कुल बर्फियां हैं, वे उन इनकी ऐसी डेयरी बनाना चाहता है जिसमें प्रत्येक डेयरी में बर्फियों की संख्या समान हो, मतलब प्रत्येक डेयरी बनेगी जो मतलब ये डेयरी बनती है ना इसमें बर्फियों की, इस डेयरी बना रखा है इसमें क्या होना चाहिए डेयरी ऐसे बना रखा है इसमें डेयरी से क्या होनी चाहिए बराबर होना चाहिए, इधर भी तीन है तो इधर भी तीन डेयरियां होनी चाहिए, तीन हाइट में और तीन ही इसकी लंबाई में,
होने चाहिए था डेरियों में बर्फ की परत में न्यूनतम स्थान गिरे, मतलब स्थान क्या चिन्ह बराबर परत है, परत के बराबर होने चाहिए कि बर्फ बर्फों की डेरिया डेरिया प्रात न्यूनता गिरते हैं। इस काम के लिए प्रत्येक डेर में कितनी बर्फियां रखी जा सकती है? अगर ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, अगर दो दे दिया आपको कि बराबर रखनी है और दोनों को रखनी है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा इसमें? HCF ऐसे निकालेंगे तो दोनों में क्या आ जाएगा? न्यूनतम मान आ जाएगा। न्यूनतम मान मतलब इसका कितना मान इसका आएगा, तो आप HCF निकालो, कोई सी विधि से आप इसका HCF निकाल लेते हैं। तो पहले निकालते हैं इसका 420 का HCF। ऐसे निकालने के पास क्या होती है, छोटी संख्या होती है उसको इधर रखते हैं, छोटी संख्या को इधर रखते हैं। अब इसमें वो 13 का भाग देंगे, 130 का भाग देंगे 0। अब इतने बड़ा टेबल आती नहीं तो क्या करें, जो 0 से 0 कट गया तो क्या बचा 13। 13 का टेबल दिमाग बोलेंगे तो बेहद होता है 13 26 33 39, तो 3 बोलेंगे कितना देगा 39 और 0 का 0, 0 में 0 गया, 12 में 9 गया 3, 3 में 3 गया 0, कितना बच गया 30। अब इसका भाग दिया, इसको इसे सामने रखना है, ये रख दिया इसको सामने 130 को। अब देखो 0 से 0 कट गया, 3 6 12, कितना बच गया 13 में से 12 गया 1 और 0 का 0। अब इस 30 का करना पड़ेगा, इसके सामने रखना पड़ेगा, ये लो 30, 10 का भाग 30 में 3 हुआ, 30 का 30, 30 में 30 गया 0। सेम भाग इधर करना पड़ता है, देखो वापस करते हैं, 130 का 420 कितने बार देगा 3 बार, तो आता आपका 390। अगर डायरेक्ट भाग देना है तो 0 0 काटो तो क्या 13, 13 का भाग देना इसमें 13 26 दे दिया 352 ज्यादा हो जाएंगे, इस पर से भाग दो, भाग देने बाद कितना बचेंगे आपका 30, 30 का भाग। अब इसको संख्या को क्या करेंगे, जिसका भाग दे उसको सामने रखना है, जो बचे 130 को दे सामने। अब जो लास्ट में आपका मान किसका भाग दिया आपको लास्ट में 30 का, जिस संख्या का भाग आप लास्ट में दोगे वो होगा आपका HCF, HCF बराबर हो जाएगा आपका 10। मतलब कहने का मतलब है आप कितनी डेरे बनाओगे, तो डेरे संख्या पूछिए, अब क्या पूछिए, बर्फियां कितनी रख सकते, एक प्रत्येक डेरे में कितनी बर्फियां रख सकते, मतलब ऐसे कितनी बर्फियां हम रख सकते हैं, तो लिख देंगे 30 बर्फियां रख सकते हैं। एक डेरे में कितनी बर्फियां रख सकते हैं, 10 बर्फियां रख सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 की बात n पर विचार कीजिए, जहां n एक प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जो होती है जो एक से स्टार्ट होती है वो अनंत तक चलती है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4n अंक, जिसे 4n अंक 0 पर समाप्त होता हो, मतलब आपके 4 की घात 4 के ऐसे टुकड़े करने हैं, 4 की घात ऐसे ज्ञात करनी है कि इसके जो टुकड़े करेंगे 0 पर आते हैं या नहीं आते, वो हमें प्रूफ करना है। 0 पर कब आती घात है, 0 पर घात कब आती है, जब हम किस संख्या का लेसर पर निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे, तो 5 पे 2 के टुकड़े होंगे तो ही वो एलसीएम के अंदर 10 0 पे समाप्त होगा। जैसे मानना अगर हम 16 के टुकड़े करते हैं, अगर हम 20 के टुकड़े करते हैं, किसके टुकड़े करते हैं तो आते हैं, देखो 16 के टुकड़े करेंगे तो कितने बार जाएगा, 2 का भाग 16 में 8 बार, 8 में 4 बार, 2 का भाग 2 बार, 2 का भाग 2 में 1 बार, तो यहां पर 2 के जोड़े बनने, यहां पे 2 के जोड़े बनने, लेकिन 5 का जोड़ा बनना चाहिए, 5 का जोड़ा बनेगा तो क्या होगा, 10 पे समाप्त होगा। अगर किसी भी संख्या 4 हो, 6 हो, 10 हो, 15 हो, जो भी संख्या हो, अगर वो संख्या का टुकड़ा करने पे 5 या इसमें से कम से कम एक बार, कम से कम उसमें एक बार 5 और 2 के टुकड़े होने चाहिए, कम से कम उसमें, कम से कम एक बार 2 और 5 के टुकड़े होने चाहिए उसके अंदर। अगर ऐसी संख्या हो, अगर 20 के देखो 0 समाप्त हो रहा है तो टुकड़े कर लो इसके अंदर 10, फिर 5, फिर 5, एक देखो 5 और 2 के टुकड़े हो रहे हैं तो 0 समाप्त होगा। ये हमें बोल रहा है कि 4 की ऐसे कितने घाते कर सकते हो, कितने n का मान कुछ भी रख दो, क्या हो अगर मान लो 4 की n का मान रखते 1 तो क्या होता है 4, 2 गुणा 2 4 नहीं आ रहा है तो इसका क्या होगा, इसमें 0 पे समाप्त नहीं होगा। अगर 4 का 2 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 into 4 कितना होता है 16, 16 टुकड़े कर लो, अभी टुकड़े किया मैं 16 के तो 2 की घात कितनी हो रहा है 4 बार। ऐसे किसी भी कर लो संख्या के, अगर वहां पे 0 नहीं होगा, कब होता है 0,
जब उस संख्या के टुकड़े करते हैं तो जीरो और पांच पे समाप्त हो, जीरो वे दो से दो वे पांच के टुकड़े हो, अगर उसके अंदर संख्या के अंदर दो वे पांच के टुकड़े हो तो ये वो क्या हुआ। अगर दो को पांच से गुणा करते हैं तो क्या होता है, दस। दस में क्या गया आपका जीरो, जीरो तभी आएंगे जब दो वे पांच के टुकड़े हो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से क्या दे रखी है आपके पास चार एन। अब चार एन का मान रखते हैं हम, तो चार का चार, अब चार के टुकड़े देख लो, चार के टुकड़े होते हैं छोटी संख्या है, दो दो एक, क्या इसमें दो वे पांच के टुकड़े हुए, नहीं हुए। तो क्या लिखेंगे, दो या दो वे पांच, दो वे पांच के टुकड़े होंगे तभी संख्या एन कुछ भी हो संख्या का मान जीरो पर समाप्त होगा, संख्या का मान जीरो पर समाप्त होगा, नहीं तो समाप्त नहीं होगा। कुछ भी मान रख लेना, उसके टुकड़े करके देख लेना, कोई भी अगर मान लो यहां पर दस लिखा होता तो इसका मान जो भी आएगा एन का मान कुछ भी रख लो वो जीरो पे समाप्त होगा, क्योंकि दस से अगर टुकड़े करेंगे तो दो गुणा पांच होते हैं, दो गुणा पांच आएंगे तो उसका मान हमेशा जीरो पे समाप्त होगा। तो याद कुछ नहीं करना है, बस इसको समझना है और टुकड़े करके देख लेना किसी भी संख्या, अगर मान लो क्वेश्चन हो रहा है आपका क्वेश्चन नंबर पांच, क्वेश्चन करेंगे एक कोने उसके अंदर पांचों क्वेश्चन, उसमें छह का लिखा हुआ है, छह का भी ऐसे होगा, छह का टुकड़े करेंगे तो तीन तीन एक बन दो गुणा तीन, इसमें पांच नहीं आ रहा है, जब तक पांच नहीं आएगा तो एन जीरो पे समाप्त नहीं होता है।